हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है सोमवार और आज है 15 नवंबर डेट। तो अभी देखिए दोपहर का समय है और मैं यहाँ पर अपना घर को फिर से साफ़ कर रही हूँ। मैं सुबह में एक बार सफाई की थी, लेकिन आज है तुलसी विवाह तो मैं आज फास्ट में हूँ, तो इसीलिए मैं दोबारा से अभी सब कोई खाना वगैरह खा लिया है तो मैं फिर से एक बार घर की सफाई कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड कि झारखंड में 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, तो इसीलिए मैं फर्नीचर को इधर उधर करती हूँ ताकि मतलब कि बारिश होता है तो यहाँ पर पानी टपकता है, इसीलिए मैं यहाँ से हटा दी थी टेबल को और मैं दूसरे जगह पर रख दी थी बारिश के वजह से। नहीं तो इसमें प्लाई बोर्ड लगा हुआ है, ये मतलब निकल जाता, फूल जाता है, इसीलिए मैं हटा देती थी फ्रेंड। और अभी मैं लगा दी हूँ क्योंकि आज धूप है, अच्छे से धूप किया हुआ है आज, तो मैं फिर यहीं पर लगा दी जहाँ पहले से था। वैसे मैं एक बार घर की सफाई कर चुकी थी, लेकिन अभी मैं पूजा करूँगी शाम के समय में, तो फिर से एक बार घर की पूरे अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए रिया है, रिया कुछ दिखाना चाहती है बुक में, तो मैं उसको बोल रही हूँ थोड़ी देर रुक जा बेटा, उसके बाद मैं देखती हूँ। कोई कुछ ड्राइंग बनाई है तो वही वो दिखाना चाहती है। तो देखिए अब अच्छे से सफाई हो गया है आगे वाला रूम का, और अब मैं इधर उधर का रूम का मेरा बाहरी कचरा निकलता है फ्रेंड, और इस रूम का मैं आंगन लेके जाती हूँ, तो इसी तरह मैं झाड़ू लगाती हूँ हर रोज़। तो अभी देखिए बेडरूम और किचन का कचरा आंगन में लेकर जाऊंगी। और आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है मेरे फर्श में फ्रेंड, तो मैं दीपावली से पहले यहाँ पर सीमेंट लगाई हुई थी, जहाँ जहाँ टूटा फूटा था वहाँ पर मैं रिपेयर की थी पूरे घर में, इसीलिए थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे घर में पोछा मारते मारते एक कलर का हो जाएगा, क्योंकि बहुत पोछने में दिक्कत होता था घर को, तो अधिकांश मुझे पानी डालकर धोना पड़ता था फ्रेंड किचन वाला रूम, इसीलिए मैं सीमेंट 5 किलो लाई थी और पूरे जहाँ जहाँ टूटा हुआ था वहाँ पर मैं फर्श में लगा दी थी दीपावली से पहले ही। और अभी देखिए घर में झाड़ू हो गया था, उसके बाद अब मैं पोछा मार ले रही हूँ। अब किसी को खाना वगैरह नहीं खाना है क्योंकि सबको मैं खाना पीना खिला कर बर्तन वगैरह सारा मांझ कर उसके बाद अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी पूजा पाठ का जो सामान निकालूंगी इसीलिए पोछा लगा ले रही हूँ। और इसी बेडरूम में ही मेरा पूजा वाला स्थान है फ्रेंड, तो वहीं पर मैं सारे सामान को थाली में सजाऊंगी पूजा का सामान। तो अभी देखिए पूजा का सामान तो अभी नहीं निकाली थी क्योंकि अभी नहाऊंगी, उसके बाद उससे पहले मैं एक बार फिर से बर्तन को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, पीतल वाला बर्तन को। ये धोया हुआ ही था लेकिन दीपावली के समय में ही मैं पूजा वगैरह करके धो दी थी, लेकिन फिर से मैं एक बार अच्छे से धो ले रही हूँ क्योंकि मैं इसको गोदरेज के नीचे थैला में करके रख देती हूँ, तो इसीलिए मैं एक बार फिर से धो ले रही हूँ फिर। और देखिए अब मैं नहा ली हूँ, नहा कर वही साड़ी पहन ली जो मैं तीज में खरीदी थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा साड़ी लगता है मुझे, हल्का लगता है, इसीलिए मैं इसी को डाल ली फ्रेंड। और अभी वही चूड़ी भी है जो उस दिन पहनी थी, वही चूड़ी भी है, आधा आधा मैं रख दी थी, तो ये चूड़ी इसमें मैच कर जा रहा था तो इसी को मैं डाल ली, एक प्लेन चूड़ी है। और फ्रेंड हम लोगों के घर में आज दो फेस्टिवल है, जो जो बिहार के होंगे उन लोग जानते होंगे, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं लेकिन हम लोग झारखंड में आकर रह रहे हैं फ्रेंड, तो हम लोग के घर में एक जेठान पर्व होता है तो वो भी है आज, और तुलसी लगाई हूँ तो तुलसी विवाह भी करती हूँ। विवाह क्या, नॉर्मली जैसे पूजा होता है उसी तरह करती हूँ, उतना भी नहीं है कि विवाह जैसे किया जाता है उस तरह से, वैसा भी नहीं है, समझिए तो कि सालगिरह ही मनाती हूँ तुलसी जी का, तो वही करूँगी। और अभी देखिए नहाने के बाद मेरा आज मॉइस्चराइजर भी ख़त्म हो गया था फ्रेंड, नहीं था, 10 रुपए का मैं लेकर आती हूँ एप्पल वाला, तो वो नहीं था तभी मैं डायरेक्ट लगा ली थी पॉन्ड्स का क्रीम। उसके बाद मैं फेस पाउडर लगाई थी लैक्मे का एब्सोल्यूट फेस पाउडर, उसके बाद ये 5 रुपए का जो पेंसिल वाला आता है आईब्रो पेंसिल वो वाला लगा ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। वैसे तो मैं आईब्रो पेंसिल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा आईब्रो थोड़ा सा डार्क दिखता है इसीलिए, और वो लिक्विड का है LA18 का लिपस्टिक लिक्विड वाला, तो वो मैं लगा ली थोड़ा सा क्योंकि बॉर्डर से थोड़ा मैच कर रहा था इसीलिए लगा ली। मेरे पास दो लिपस्टिक है लिक्विड वाला, तो एक मेरा रेड है और एक मैरून है, और मेरे पास कोई लिपस्टिक नहीं है फ्रेंड।
और एक सुरुचि का प्लेन बिंदी लगा ली, जो मैं उस दिन दीपावली में चढ़ाई थी बिंदी डब्बा वाला, वो वाला बिंदी में से एक निकाल कर लगा ली। ये भी मरून कलर का ही फ्रंट, मेरा जो साड़ी का बॉर्डर है वो मरून कलर का है, इसीलिए मैं मरून लिपस्टिक भी लगाई हूँ और मरून बिंदी भी लगा ली। और छठ में जो प्रसाद आया था उसके साथ मतलब सिंदूर भी था ऑरेंज कलर का, तो मैं थोड़ा सा सिंदूर भी लगा ली थी, और जो मेरा रेगुलर लगाती हूँ सिंदूर वो भी थोड़ा लगा ली। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मिल रही हूँ आपसे, मतलब देर हो गया अभी, और शाम का समय है और आज है तुलसी विवाह। मैं मतलब एकादशी भी है, तुलसी विवाह भी है, जिठान भी है, तो मैं यहाँ पर तुलसी विवाह कर रही हूँ। मतलब वही नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही कर रही हूँ। तो और देखिए, मैं आज ये येलो साड़ी पहनी हूँ, ये साड़ी आप लोग देखे होंगे तीज वाला ब्लॉग में, मैं यही साड़ी ली थी तो यही मैं पहनी हूँ। देखिए, और मैं तैयारी कर चुकी हूँ थोड़ी बहुत। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गया फ्रेंड। और मैं वीडियो मतलब जो कल जो ब्लॉग डाली थी वो मैं अभी अपलोड की हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे पूजा करने में। तभी मैं फटाफट से जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद मैं फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और फ्रेंड देखिए, सारा तैयारी करने के बाद अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अपना तो महावर लगाया ही नहीं, तो देखिए फिर से मैं महावर लगाने के लिए बैठ गई, क्योंकि हम लोगों को पूजा में ये बहुत मस्ट होता है लगाना, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। और ज़्यादातर मैं जब भी पूजा करती हूँ फ्रेंड तो महावर ही भूल जाती हूँ हमेशा, तो अभी हमेशा मैं महावर पीछे ही लगाती हूँ, और नेल पेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, तो आज भी मैं नेल पेंट नहीं लगाई, पहले जो लगाई थी वही लगा हुआ है, क्योंकि अभी लगाऊंगी तो फिर नहीं रह पाएगा, लग जाएगा कोई भी चीज़ में, इसीलिए नेल पेंट नहीं लगा पाती हूँ, कभी कभार याद रहता है तो ही लगाती हूँ मैं। और अभी वॉइस ओवर करने समय थोड़ा सा रोहन मतलब शोर कर रहा है फ्रेंड, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और देखिए, मैं आंगन में पूजा कर रही थी, तो अभी कंप्लीट हो गया मेरा पूजा, बस आरती कर रही हूँ। मैं यहाँ पर विष्णु जी का आरती कर रही हूँ फ्रेंड, जो सत्यनारायण भगवान का होता है वही आरती कर रही हूँ, क्योंकि मैं सत्यनारायण भगवान का ही फ़ोटो लगा के रखी हूँ यहाँ पर। और अब आरती हो गया ख़त्म, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम लोगों का जेठान होता है, मतलब कितारी चढ़ाया जाता है उनके नाम से, तो मैं यहाँ पर एक पत्ते वाला कितारी है जो लगा हुआ पत्ता, वही मैं चढ़ा रही हूँ उनके नाम से, हम लोग के घर में जो देवी देवता है उनके नाम से। और एक दिया जला रही हूँ फ्रेंड वहाँ पर, मतलब उन्हीं का मैं पूजा कर रही हूँ बस, उनके नाम से ही एक कोने में। उसके बाद सभी जगह माथा टेक लूँगी जहाँ जहाँ मैं पूजा की थी, और सभी का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तभी मैं अपनी सास का यहाँ पर पैर छू रही हूँ, और अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, जब वो आएंगे तब मैं उनका भी आशीर्वाद ले लूँगी। तो अभी देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ कि मैंने पूजा किया है जहाँ पर, वहाँ पर ये तस्वीर है, और यहाँ पर देखिए चुनरी उड़ा के रखी हूँ तुलसी माँ को, और यहाँ पर सत्यनारायण भगवान को बस एक कलश बिठाई हूँ, और थोड़ा बहुत जो होता है बेसिकली पूजा जो होता है नॉर्मली वही मैं की हूँ फ्रेंड। और अंधेरा लग रहा है थोड़ा आंगन में, और देखिए आज मेरी तुलसी मैया मतलब अच्छी लग रही हैं, कल मैं इसमें सिंदूर लगाऊंगी, आज बस यहाँ पर बिठा दी। तो फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया कंप्लीट, और अभी मैं आंगन में हूँ, तो देखिए अंधेरा हो गया है, ऊपर देखिए अंधेरा लग रहा है आपको, और मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा मैं वो फेरी वेरी लगाना शालीग्राम वगैरह वो सब मैं नहीं करती हूँ, बस एक मूर्ति रखती हूँ, मूर्ति का पीक रखती हूँ विष्णु जी का, और बगल में रखती हूँ तुलसी माँ को, बस इसी तरह मैं नॉर्मली पूजा कर लेती हूँ। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और पूजा का कोई क्लिप इसीलिए नहीं दिखा पाई आपको कि बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ रहे थे इसीलिए, और
और मैं इसी तरह, और वैसे मैं काफी लेट हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब शाम हो गया था, इसीलिए मैं फटाफट से पूजा में बैठ गई थी फ्रेंड। तभी देखिए पूजा हो गया है, बस दीपक जल रहा, घर में लग रहा है कि दीपावली है। अभी उधर हम लोग का जो हम लोग के कुल देवी देवता है तो उनके लिए एक अलग से रखा जाता है। वैसे तो मेरे गांव में है वो देवता, लेकिन उन्हीं के नाम से मैं एक रख देती हूँ केतारी, मतलब एक, और एक दिया जला देती हूँ वहाँ पर पूजा करके केतारी का, मतलब उनके नाम से एक कोने में रखा जाता है हम लोग के कुल देवी देवता के नाम से। और यहाँ देखिए हाथ में वो छठ पूजा का जो कलावा होता है, जो मतलब गर्दन में पहनने वाला, वो मैं हाथ में पहन लूँ। और सुबह में अब मैं पूजा करूँगी, सिंदूर बस ऐसे ही रखा हुआ है, अभी सिंदूर का डिबिया है, सुबह मैं मतलब सिंदूर दूंगी तुलसी माँ को, अभी इसी तरह रखा हुआ रहेगा। सूरज निकलने से पहले सुबह उठूंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सिंदूर लगा दूंगी तुलसी माँ को, नहा धोवा कर पूजा पाठ कर लूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, ट्यूशन सर आए हैं तो उनको मैं चाय बना के दे दूंगी। और अभी मैं यहाँ पर चाय बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, अभी ट्यूशन सर पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा हो गया होगा लगभग, एक घंटा पढ़ाते हैं फ्रेंड आकर। और मैं वही सॉसपेन में बना रही हूँ, जिस दिन मैं पूजा करती हूँ मैं अलग सॉसपेन में बनाती हूँ, जो मैं शुक्रवार में चाय बनाती थी फ्रेंड आप लोग तो देखे ही थे, तो उसी सॉसपेन में बनाती हूँ इसको, बनाकर फिर मैं रख देती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ तभी मैं इसको निकालती हूँ। वैसे मेरे पास दो सस्पेन है, एक मतलब डंटल टूटा हुआ है, लेकिन मैं उसी में ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि वो हीटर के नीचे अंदर नहीं जाता है, अटक जाता है ऊपर में, तो करंट वगैरह का डर नहीं रहता है, तो उसको मैं यूज करती हूँ फ्रेंड। और एक मेरा स्टील का सॉसपेन है, तो उसको मैं गैस पर बनाती हूँ और चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हा में कभी कभार होता है कि काला हो जाता है अगर चूल्हा जलता हुआ रहता है, तो इसीलिए मैं वही सब यूज करती हूँ। और इस सस्पेन को मैं रख देती हूँ, बस मैं पूजा में ही इसको निकालती हूँ। तभी देखिए तीन जन हैं हम लोग, तो तीन कप निकाली हूँ, कप में नहीं, मेरी सास हमेशा स्टील के ग्लास में ही, छोटा ग्लास है उसमें ही पीना पसंद करती है, और मैं यहाँ पर पीतल वाला ग्लास में पी रही हूँ, क्योंकि आज मैं उसी में पीऊँगी फ्रेंड। और अब मैं ट्यूशन सर को भी दे दी और अपनी सास को भी दे दी, और अब मैं यहाँ पर एक एप्पल ली थी और दो केला, वो मैं खा लूँगी और चाय पी लूँगी, क्योंकि यही मेरा अभी खाना रहेगा रात का, अभी मतलब वही 7:30 और 8 के बीच का टाइम हो रहा है। तो देखिए एप्पल है, उसको मैं काट ली थी, और एक और दो बनाना है, उसके बाद फिर मैं चाय पी लूँगी यही खाकर, फिर मैं रात में सो जाऊँगी। और मैं बहुत सोचती हूँ फ्रेंड कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी यहाँ पर आपने गलत किया है, चाहे कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत लगता है तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, लेकिन आप लोगों को शायद पसंद नहीं आता है, इसीलिए आप लोग को उतना नहीं सपोर्ट कर रहे मुझे, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कहाँ पर मेरा गलती है। तो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आएगा फ्रेंड, थोड़ा भी पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बस आज इतना ही, फिर मैं मिलूँगी कल नए वीडियो में। यार आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। तो बस आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।